गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। दैट इज द नेम ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर इज सर्कस एलिफेंट्स। नाम से ही आप समझ रहे हो कि ये चैप्टर क्या है, सर्कस एलिफेंट्स। मतलब इस चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ सर्कस के बारे में और एज वेल एज एलिफेंट्स की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, उससे रिलेटेड बता रहे हैं। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मीनिंग्स लिखी हुई हैं। पहले अपन आइए उनको समझते हैं। नाउ लेट्स बिगिन टू स्टार्ट अवर न्यू द मीनिंग्स ऑफ अवर चैप्टर्स। नेक्स्ट पेज में देखिए, चैप्टर के बाद पेज नंबर 8 में कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं जो अपन को पहले समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद अपन चैप्टर्स को समझेंगे। बी वर्डी, एक टॉपिक है आपका बी वर्डी। पहला है सर्कस। सर्कस मतलब क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलिंग एंटरटेनर्स, मतलब एक ऐसा ग्रुप होता है ट्रेवलिंग एंटरटेनर्स का। एंटरटेनर्स मतलब वो पर्सन जो आपको मनोरंजन पैदा करते हैं, जो आपके अंदर मनोरंजन क्रिएट करते हैं, उन ऐसे पर्सन को एंटरटेनर्स बोलते हैं। मतलब जो आपको हंसाते हैं, कुछ ना कुछ शो दिखाते हैं, कुछ ना कुछ कला का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को हम एंटरटेनर्स बोलते हैं। एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलिंग एंटरटेनर्स मतलब एक लोगों का समूह होता है जो इधर से उधर ट्रेवल करते रहते हैं। इंक्लूडिंग क्लाउन्स, जिसमें क्या होते हैं भाई, जोकर होते हैं। एक्रोबेट्स मतलब कलाबाज होते हैं जो कुछ ना कुछ कला का प्रदर्शन करते हैं। एंड समटाइम्स एनिमल ट्रेनर्स, और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो एनिमल को ट्रेन करते हैं, एनिमल को क्या करते हैं, टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड दे आर एनिमल्स, और उन ट्रेनर्स के साथ अपने अपने एनिमल्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कस बोलते हैं। ट्रैम्प मतलब क्या होता है? ए लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी ऑन फूट, मतलब आपने कभी कभी देखा हो कोई ऐसे पर्सन जो अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, जो अपने पैरों के नीचे डंडे बांध लेते हैं, और डंडों के ऊपर चलते हैं, तो उन्हीं पर्सन को और उसी कलाबाजी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रैम्प। रिंग, ए राउंड स्टेज और पीस ऑफ ग्राउंड, मतलब कहने का मतलब है, रिंग मतलब क्या होता है, एक ग्राउंड का टुकड़ा होता है जो सर्कल शेप में होता है, एक ग्राउंड जो सर्कल शेप में होता है और कोई ग्राउंड का टुकड़ा, उसी को हम बोलते हैं रिंग। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट ग्राउंड गोल सर्कल शेप में होता है, उसमें जो चौके छक्के की जो गोल बाउंड्री होती है, उसी को हम बोलते हैं रिंग। लीफी मतलब क्या है? कवर्ड विथ और हैविंग मैनी लीव्स, मतलब एक ऐसा पार्टिकुलर एरिया जो पूरी तरफ से लीव्स से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? लीव्स, पत्तियों से भरा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लीफी बोलते हैं। रोम मतलब होता है घूमना। टू मूव ओवर ए लार्ज एरिया, मतलब एक कोई बड़ा पार्टिकुलर एरिया जहां पर आप घूम रहे हो। परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन, आप किसी चीज का प्रदर्शन करते हो, उसी को हम बोलते हैं परफॉर्म। टू कैरी आउट एन एक्शन और अकम्प्लिश ए टास्क, एस्पेशली वन रिक्वायरिंग केयर और स्किल। स्टेयर मतलब होता है किसी चीज को घूर घूर कर देखना, एक टक देखना, मतलब आप कोई एक ऐसी चीज देख रहे हो और उसको देखते ही जा रहे हो जहां आपकी नजर ना हटे, कोई एक ऐसी चीज जिसको आप बहुत घूर कर देख रहे हो और वो आपको देखने में इतना इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है कि आपकी नजर वहां से ना हटे, उसको बोलते हैं स्टेयर। टू लुक डायरेक्टली एट somebody और समथिंग, कि मतलब किसी ऐसे पर्सन को घूर घूर कर देखना या फिर किसी ऐसी चीज को बहुत लंबे समय तक देखना, विदाउट मूविंग द आईज अवे, जहां से आपकी नजर ना हट रही हो। डेलाइट मतलब होती है प्रशंसा, अत्यधिक खुशी। समथिंग दैट ब्रिंग्स somebody ग्रेट एंजॉयमेंट एंड प्लेजर, मतलब कुछ ऐसी चीज और कुछ ऐसे लोग जो आपके अंदर अत्यधिक प्रशंसा पैदा कर देते हैं, अत्यधिक खुशी पैदा कर देते हैं, उसी को बोलते हैं डेलाइट। कैप्टिव मतलब होता है किसी चीज को कैद करना। ए पर्सन और एनिमल दैट इज फोर्सिवली कन्फाइंड, मतलब चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई एनिमल हो, जिसको बलपूर्वक आप अपने अंदर
रख रहे हो, अपनी अंदर कस्टडी में रख रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं? कैप्टिव। लास्ट आपका वर्ड मीनिंग है राइट। राइट मतलब होता है सही, मोरली जस्टिफाइड एंड करेक्ट। जिसको आप सही पूर्वक सिद्ध कर देते हो, उसको सही सिद्ध कर देते हो, उसी को बोलते हैं अपन राइट। तो भाई आप लोगों ने ये सारे वर्ड मीनिंग समझ लिए। अब यही वर्ड मीनिंग्स आपके चैप्टर्स में यूज होते हैं, तो आइए अपन चैप्टर समझते हैं। दैट इज सर्कस एलिफेंट्स। उसमें पहले आपका दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, तो आइए अपन इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि आपका फर्स्ट चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन है वो आपको आपसे क्या बोल रहा है। सर्कस, ए सर्कस इज ए शो दैट इंक्लूड्स ए वैरायटी ऑफ एंटरटेनिंग एक्ट्स। इंट्रो एक ऐसा शो है, एक ऐसा प्रदर्शन है जो बहुत सारे एंटरटेनिंग एक्ट्स मतलब बहुत सारे मनोरंजन कर्तव्य को अपने पास रखता है और जो बहुत सारे मनोरंजन कर्तव्य आपको दिखाता है। इट्स यूजुअली ए ट्रैवलिंग शो। उनका कहने का मतलब है ये कैसा शो है? ट्रैवलिंग शो है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। दैट मूव फ्रॉम टाउन टू टाउन, जो क्या करता है, एक शहर से दूसरे शहर आता जाता रहता है। Perhaps the most famous circus in the world is the Ringling Brothers and Burnham and Bailey Circus। उन्होंने कहा है इस चैप्टर में कि पूरे वर्ल्ड में जो दो फेमस सर्कस हैं उनके नाम दिए गए हैं। पूरे विश्व में जो सबसे फेमस के दो सर्कस हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आपका रिंगलिंग ब्रदर्स और एक है बर्नम एंड बेली सर्कस। मतलब ये दो ऐसे सर्कस हैं जो पूरे विश्व में फेमस हैं। और ये फेमस क्यों है, इनकी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। इट वॉज द फर्स्ट एवर थ्री रिंग सर्कस। वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये दोनों सर्कस ऐसे हैं, पहले थ्री रिंग सर्कस हैं, मतलब एक ऐसा सर्कस जो एक ही टाइम में तीन अलग अलग एरिया में अपना कर्तव्य दिखाता है। मतलब ये ऐसा सर्कस है जिसमें तीन रिंग्स हैं, तीन अलग अलग टुकड़े हैं प्रदर्शन करने के, और एक ही समय में तीनों रिंग में अपना अपना प्रदर्शन चलता रहता है। इट स्टिल कॉल्स इटसेल्फ द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। इसी वजह से ये दोनों सर्कस अपने आप में क्या कहलाते हैं? ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी के सबसे महान प्रदर्शन वाले शो हैं ये। अब देखते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट बिगिंस अवर चैप्टर। तो भाई फर्स्ट पैराग्राफ देखो अपने चैप्टर का। लेट्स एंजॉय रिसाइटेशन, व्हाट आर दे थिंकिंग, द सर्कस एलिफेंट्स एज द ट्रैम एंड रिंग ईच नाइट। उन्होंने बोला है लेट्स एंजॉय रिसाइटेशन, चलो भाई अब अपन इस चैप्टर को समझना स्टार्ट कर देते हैं, आनंद लेते हैं इस चैप्टर का। व्हाट आर दे थिंकिंग, कि वे क्या सोचते हैं, जो सर्कस करने वाले आते हैं, जो अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं वो लोग, और उसमें जो एनिमल्स हैं वो अपने बारे में क्या सोचते हैं और वो क्यों अपन को ऐसा कर्तव्य दिखाते हैं। द सर्कस एलिफेंट्स, उन्होंने बात किसकी की है, सर्कस एलिफेंट की बात की है। एज दे ट्रैम्प राउंड द रिंग ईच नाइट, वो क्या करते हैं, उस रिंग के चारों तरफ पूरे रात भर अपना प्रदर्शन दिखाते रहते हैं। और अबे उन्होंने बोला है, क्या उनकी इच्छा होती है अपन से दूर रहने की, इन द फॉरेस्ट लीफी नाइट, या फिर वो हर समय उस जंगल में ही पड़े रहते हैं, उन लीफी नाइट में जहां हर जगह लीव्स ही लीव्स हो। दैट मींस वो जानवर जो फॉरेस्ट, जो उनकी क्या इच्छा है, अपने पास आने की इच्छा है या फिर वो हमसे दूर रहने की इच्छा है जो फॉरेस्ट में रहते हैं। वेयर दे वुड रोम एट विल, क्या उनकी इच्छा होती है, रोम मतलब घूमने की, क्या उनकी भी इच्छा होती है इधर उधर घूमने की। एंड कुड ईट देयर फिल फार फ्रॉम ह्यूमन साइट, क्या वो भी खाना खाते हैं उनकी इच्छा से, फार फ्रॉम ह्यूमन साइट की मतलब वो मनुष्य से दूर रहना चाहते हैं या मनुष्य के पास रहना चाहते हैं, क्या वो मनुष्य के साथ रहकर खाना खाना चाहते हैं या फिर वो दूर जंगल में अपनी खुद की एक दुनिया बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो ह्यूमंस के बीच में सर्कस में अपना कर्तव्य दिखाने क्यों आते हैं। एज द जेंटल जेंट्स परफॉर्म देयर ट्रिक्स, और उन्होंने बोला है जो
सर्कस में जो जेंटल आदमी होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपने अपने ट्रिक्स, अपने अपनी कला की प्रदर्शन दिखाते हैं, अपने अपने कला का कर्तव्य दिखाते हैं। द चिल्ड्रन स्टेयर विथ डेलाइट, जब वो पर्सन अपनी अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते हैं तो जो चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, वो स्टेयर उनको घूर घूर कर देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। उनके अंदर जो उनका मन है वो पूरा प्रशंसाजनक हो जाता है, मतलब वो पूरा खुशी से भर जाता है कि ये जो पर्सन है, जो एनिमल्स हैं, वो ऐसा कर्तव्य दिखाते हैं कि अपनी नजर नहीं हटती उनके ऊपर से। बट इज इट फेयर, क्या ये जो कर्तव्य दिखाते हैं वो सही है, क्या ये जो पूरा कर्तव्य वो रियली में ईमानदारी से दिखाते हैं या उसमें कोई झूठ है। शुड दे बी देयर, क्या वो अपनी जगह सही है। इज कीपिंग देम कैप्टिव राइट, क्या वो लोग उन जानवरों को अपने पास रखते हैं, क्या वो सही है जो बंदी बनाकर उन जानवरों को, उन हाथियों को अपने पास रखते हैं, क्या वो सही है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पॉइंट अपन से कर रहा था और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड उन्होंने अपन को चैप्टर समझा दिया। तो भाई आ गया आप लोगों को समझ में चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका इतना ही है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स को शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन उन डाउट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।